चैनल कुकिटअप। आज हम एक बहुत ही मजेदार सी बिरयानी बनाने जा रहे हैं और ये बिरयानी है चिकन पुलाव बिरयानी। पुलाव और बिरयानी का मिक्सचर है ये। इसमें पहले हम पुलाव की तरह यखनी बनाएंगे और उसके बाद जो है वो बिरयानी बनेगी। और जब ये बिरयानी बनेगी तो ट्रस्ट मी, ना सिर्फ पूरे घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैलेगी और जब आप खाएंगे तो आप जरूर कहेंगे कि ये कौन सी, किसकी शादी में ऐसी बिरयानी खाई थी, क्योंकि ये बिल्कुल डेली स्टाइल की बिरयानी बनेगी और आपने इसको जरूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जी, तो चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऑफ़ कोर्स यखनी है। और यखनी के लिए यहाँ पे मैंने साफ़ जो है वो 1.25 किलो से 1.5 किलो तक चिकन ले लिया। और इसमें जो यखनी है वो गरम मसाला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है यखनी में, वो हम इसमें डालेंगे और इसको धीमी आंच पे इतना कुक करेंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए और जो यखनी है उसमें सारे जो फ्लेवर्स हैं मसाले के और चिकन के वो सब अच्छी तरह से जो है वो ऐड ऑन हो जाए। तो इसकी यखनी के लिए यहाँ पर मैंने एक प्याज छोटी सी ले ली, उसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिए। इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें जब इनका असर निकल जाएगा तो लास्ट में हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमें यखनी को छानना है। और यहाँ पे 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, 1 टुकड़ा अदरक है, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भर के है, तेज़पात है, 1 टुकड़ा दालचीनी है, ये बादियान का फूल है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में, छोटी इलायची है और यखनी को जो तेज़ी मिलेगी वो काली मिर्च मैंने यहाँ पे ले ली है ज़्यादा बाकी गरम मसाले की निस्बत। और जो खुशबू इसमें मेन जो है वो सौंफ और सूखा धनिया, ये सौंफ और सूखा धनिया जब भी यखनी पुलाव के लिए आप यखनी बना रहे हैं तो कभी भी आप इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन इसकी खुशबू है, बाकी मसालों की तो ऑफ कोर्स होगी लेकिन जो मेन यखनी का फ्लेवर और खुशबू है वो सौंफ और सूखा धनिया। इसकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है। और बाकी ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैंने ले लिए। तो इसको मैं चढ़ा दूँगी पानी डाल के और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये गोश्त मैंने देगची में डाल दिए और इसमें सारी चीज़ें जो गरम मसाले थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें इतना पानी डालना कि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं, क्योंकि इनको पकना है, इनके फ्लेवर्स निकलने। जी, तो यहाँ पे अच्छा खासा पानी डाल के मैंने इसको सब चीज़ों को कुक करने के लिए छोड़ दिया है। और इस पे पानी ज़्यादा इसलिए डाला क्योंकि इसी यखनी में जो है हम अपने चावल पकाएंगे, दूसरा सादा पानी नहीं। अगर कम पड़ा तो फिर आप दूसरा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी जो चावलों में जाएगा वो यही यखनी का ही पानी जाएगा। और इसमें नमक मैं डालना भूल गई थी, आप वो भी 1 टेबल स्पून के जितना ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो जैसे जैसे पकाएंगे इसके ऊपर फोम आएगा वो आपने उतार देना और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना ढक के। जी, तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए 1.25 किलो के जितने और इसको पानी में भिगो दिया। ये बासमती राइस है मेरे पास और इनको हम 20 से 25 मिनट के लिए मैं पानी में छोड़ दूँगी। जी, तो यहाँ चिकन हमारा यखनी बहुत अच्छे से पक रही है। है यखनी रेडी हो गई है बिल्कुल, ये देखें, आप खुद देखेंगे तो आपको फील होगा कि बिल्कुल ये अब पक के तैयार हो चुकी है। चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गया और इस वक्त जो पूरे घर पे सिर्फ किचन में नहीं जो खुशबू फैली हुई है ना, इट्स अमेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल, जो इन सारे स्पाइसेस की खुशबू निकली है। तो बस अब इसको यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है, चूल्हा बंद कर देंगे और चावलों की प्रेपरेशन करेंगे। जी, तो अब बारी है चावलों की तैयारी करने की। यहाँ मैंने एक खुला पैन ले लिया और उसमें एक प्याज जो है उसको बारीक स्लाइस में काट के और 1 कप के जितना ऑयल में डाल दिए। आप कोशिश करें कि जब भी चावल बनाएं तो बर्तन जो है वो कोई खुला इस्तेमाल करें ताकि आपस में चावल जो है वो जुड़े नहीं। जी, अब यहाँ प्याज के साथ साथ हमें 1 टेबल स्पून के जितना साबुत गरम मसाला ले लेना है और उसको भी प्याज के साथ आप फ्राई कर लें ताकि अच्छा सा उसकी जो खुशबू वगैरह वो सारी निकल जाए, क्योंकि हम पुलाव बिरयानी बना रहे हैं और पुलाव की तो जान है गरम मसाला, इसलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून के जितना गरम मसाला ऐड कर देंगे। और बाकी जो यखनी में गरम मसाला डाला है वो याद रहे कि उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, उसको चावलों में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ
से ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जी तो यहाँ प्याज हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब इसमें चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको इतना कुक करेंगे कि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। एक टेबल स्पून के जितना भर के यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई होगा इसमें आपने टमाटर डाल देंगे। दो टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिए थे वो इसमें शामिल कर दें और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अभी इसमें कोई नमक मिर्च कोई स्पाइसेस हमने ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे मैंने एक कप के जितना दही का ले लिया और जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट होंगे ये दही हम उसमें शामिल कर देंगे और इस दही में ये सारे स्पाइसेस जो पुलाव बिरयानी के हैं वो मैं इस योगर्ट में डाल दूँगी। इसमें मैंने एक छोटा जो चम्मच है वो पिसी हुई लाल मिर्च के लिए है और कुटी हुई जो लाल मिर्च है इसमें जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। एक टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेफिनेटली कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। ये इसमें डाल दूँगी मैं और इसके अलावा इसमें ये एक टेबल स्पून के जितना मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ये लिया। ये अभी सारा नहीं जाएगा, आधा अभी जाएगा और आधा दम के वक्त जब हम हरी मिर्चें और सारी चीज़ें डालेंगे उसके साथ जाएगा। तो ये आधा गरम मसाला जो है इसमें ये चला जाएगा। इसके अलावा ये 8 से 10 छोटी इलायची खुशबू के लिए, क्योंकि इसमें हम कोई आर्टिफिशियल बाजार का मसाला नहीं डाल रहे तो इसी से आप देखेंगे कि इसमें कितनी अच्छी खुशबू आएगी। तो इसके लिए मैंने 10 से 12 छोटी इलायची लेके उसको पीस लिए और इसमें हाँ नमक मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के जितना नमक लिया, 1.5 टेबल स्पून नमक है। और जब मैं पानी डालूंगी, यखनी में भी हमने नमक डाला तो मैं नमक इसका टेस्ट कर लूंगी और फिर मैं उसको एडजस्ट कर लूंगी। फ़िलहाल इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के जितना सॉल्ट डाल दूंगी। अब ये सारी चीज़ें मैं योगर्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और इस मिक्सचर को हम डाल देंगे टमाटर के अंदर। तो यहाँ जो दही में सारे स्पाइसेस डाले थे ये मैंने टमाटर वाले मिक्सचर में डाल दिया। अब 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल इसको भूनेंगे और फिर इसके अंदर यखनी का जो चिकन है वो शामिल कर देंगे। जी तो यहाँ मसाले सारे आप देख सकते हैं योगर्ट में भून चुके। अब इस स्टेज पे आके यखनी में जो चिकन पका है हमारा, सिर्फ चिकन, अभी यखनी नहीं डालनी हमें। चिकन को बोटियाँ जो हैं वो मैं निकाल के इसमें डाल दूँगी ताकि उसमें भी सारी जो खुशबू और फ्लेवर्स हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाएं। और चिकन डाल के 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और उसके बाद यखनी को मैंने छान लेना है। जो भी गरम मसाला प्याज और लहसुन अदरक साबुत उसमें डाला था वो सब चावलों में नहीं जाएगा क्योंकि उसका सारा जो फ्लेवर्स हैं वो निकल चुके हैं। अब हमें सिर्फ उसकी जो यखनी है वो डालनी है चावलों में। ठीक है तो यहाँ पे मैं चिकन सारा निकाल लूँगी। अच्छी तरह से चिकन को मसाले में मिक्स कर दें और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर दें। अब इस स्टेज पे मुझे थोड़ी सी खटास पसंद है चावलों में ताकि नमक और मिर्च को वो बैलेंस करे। तो मैं 1 टेबल स्पून भर के सिरका डाल रही हूँ, सफ़ेद सिरका, और इसके अलावा 8 से 10 दाने इमली के मैंने रखे हुए वो मैं डाल दूँगी इसमें ताकि अच्छी तरह से सब चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैयर करके मैं यखनी जो है वो डाल दूँगी। जैसे 3 मग मेरे पास ये चावलों के थे तो मैं यहाँ पे पूरे 6 मग जो है वो यखनी के डालूँगी। तो आप अपने चावलों की मकदार के हिसाब से पानी डाल सकते हैं।
जी, तो यहाँ ये देखें, ये सारा वो चीज़ें हैं जो हमने यखनी में डाली थी, इनको बिल्कुल आपने डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि इन सब का अच्छा सा जो अरोमा भी निकल गया और फ्लेवर्स भी निकल गए। और अब ये यखनी और हमारी बॉईल आ रही है, इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर मैं इसमें राइस डाल दूँगी और इस स्टेज पे आके मैं नमक चख लूँगी और उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट कर लूँगी। जी, तो ये देखें, हमारी बिरयानी का 95% जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये दम पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत जेंटली इसमें चम्मच आप चलाएंगे तो यहाँ बिरयानी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें बारीक अदरक चली जाएगी, हरी मिर्च चली जाएगी, जिससे बहुत अच्छा सा इसमें देगी, खुशबू आएगी। और इसके अलावा इसमें ये गर्म मसाला पाउडर एंड में आपने डालना जो बचा के रखा हुआ था, येलो फूड कलर के बगैर तो कोई बिरयानी हो ही नहीं सकती, वो ऐड करेंगे। इसके बाद अच्छा सा कवर करके इसको दम दे देना है। 5 से 10 मिनट के बाद ये देखें, मैंने दम इसका खोला है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से जो चावल हैं और कलर और सब चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। बहुत जेंटली इसको मिक्स करना है और हर दाना देखें बिल्कुल खिला खिला है और बिल्कुल देगी, इसकी शक्ल आ रही है, टच आ रहा है और खुशबू का तो जवाब नहीं है। और इसको आप सर्व करेंगे, देगी जो चिकन बिरयानी है हमारी, बिल्कुल पुलाव बिरयानी रेडी है। इसको शामी कबाब के साथ, रायते के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।